गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आवाज क्लियर है ना यश्न में जवाब दीजिए और ऑडियो वीडियो दोनों ठीक ठाक है ना यश्न में जवाब दीजिए फटाफट जवाब दीजिए पहले हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं और मेरी आवाज आपके पास जा रही है कि नहीं जा रही है यस नो में जवाब दीजिए यस नो में प्लीज प्लीज यस नो में जवाब दीजिए आप लोग आवाज जारी देख लीजिए यहां क्लियर है ना आवाज गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए जितना जि, जितना हो सके आप लोग एकदम देखिए पहली बात आप मेरी समझ लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे यहाँ पर पहली बार देखते होंगे लेकिन हाँ मैं हम लोगों का एक मिशन है क्योंकि आने वाला एग्जाम जो हमारी सुगबुगाहट है जो सुलग रही है जिसमें से चिंगारी निकल कर सुलग रही है वो आपका वो आपका आवाज आ रहा है रेलवे का वो आवाज रेलवे की है और रेलवे में लोको पायलट है और आपका टेक्नीशियन है लोको पायलट टेक्नीशियन के तुरंत बाद आपका ग्रुप डी होगा जो आईटीआई टी बेस्ट पर होगा आईटीआई पर आधारित होगा इसलिए इसका लेवल आप सबको पता है इसका लेबल आप सभी को पता है कि इसका लेबल साइंस का क्या है इसलिए आप ये लेवल मैं ये जो साइंस का डिस्कशन आपको कराऊंगा फिजिक्स भी रहेगा केमिस्ट्री भी रहेगा बायोलॉजी भी रहेगा और आप लोग स्पेशल डिमांड के आधार पर एक ट्रेड का बैच भी स्टार्ट करूंगा जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया जिनका फीटर ट्रेड हो गया जिनका एम डीजल मैकेनिक डीजल ट्रेड हो गया इस सब के लिए मैं एक ट्रेड का भी स्पेशल स्पेशल क्लास सब का लूंगा अलग अलग स्पेशल स्पेशल लूंगा सबसे पहले तो आप लोग कदम में कदम मिलाकर मेरे साथ चलिए आप लोग मैं आपको सफलता तक आपको 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 आपको, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा हम लोग हम लोग जितनी टीम है केजीएस का जितने टीम है वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक संकल्प लिए हैं एक बीरा उठाए हैं कि मैं हम लोग आपको एक लक्ष्य तक पहुंचाएंगे टेंशन नहीं लीजिए जिनका फिटर है फिटर वाला को फिटर पढ़ाऊंगा जिनका इलेक्ट्रीसियन है इलेक्ट्रीशियन वाले को इलेक्ट्रीशियन पढ़ाऊंगा बहुत लोग सवाल का चाहती है कि सर बाइलिंगवल दिया जाए एकदम मैं बायलिंग दूंगा टेंशन मत लीजिए आज थोड़ा थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा हमारे साथ तालमेल बैठा चलिए मैं आपको लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा इतना समझ लीजिए आप लोग चलिए हम लोग आते हैं हम लोग बीच बीच में हम लोग देखते रहेंगे थोड़ा बहुत जो जो आप लोगों को देना है बीच बीच में जो टॉनिक देना है ना वो टॉनिक मैं देते चलूंगा ओके बाय बेस्ट ऑफ लक चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और, और क्वेश्चन में हमारा पहला नंबर क्वेश्चन देखिए गर्म करने पर पिघलता है अरे बाबा गर्म करने पर पिघलता कौन है तो कहिएगा गर्म करने पर पिघलता कौन है मेरी बात समझिएगा आप लोग जैसे यहाँ पर हो गया वो ठोस पदार्थ हो गया यहाँ पर देखिएगा तो एक होता है द्रव होता है और एक होता है हमारा गैस होता है या इसी को आप कहिएगा यहाँ वाष्प भी लिखा जाता है अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर अगर हम कह देंगे कि ठोस को जब गर्म कीजिएगा प्लस ताप देंगे हम लोग तो ये द्रव में आएगा ये द्रव में आएगा इस क्रिया को कहते हैं हम लोग संग संगलन कहते हैं संगलन के नाम से जानते हैं अगर ये द्रव है अगर गैस में आ जा रहा है प्लस ताप के साथ में तो इसको कह दीजिएगा वाष्पन कह दीजिएगा इवेपोरेशन अगर ये माइनस ताप के साथ में अगर ये गैस से द्रव में आ गया तो ये कहलाता है संघनन होता है संघनन होता है और कंडेंसेशन कहते हैं और ये अगर माइनस ताप के साथ में अगर ये आ गया ठोस में तो ये हमारा हो गया हिमांक होता है हिमांक हो गया लेकिन याद रखिएगा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने से वो ठोस से सीधे ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपतिज पदार्थ कहते हैं और ये क्रिया उर्धवा पातन कहलाता है इंग्लिश में कहते हैं इसी को सबलीमेशन के नाम से जाना जाता है और यही सवाल आपसे कहा भी जा रहा है और अगर यहाँ पर फिर देखिए आप लोगों में से पूछ सकते हैं कि सर ये भी तो इसमें आ सकता है तो कहिएगा ये होता है नीक्षेपण होती है नीचेपण होती है डिपोजिशन के नाम से जानते हैं तो अब यहाँ पर समझ लेना है मेरी बातों को यहाँ से बड़ी क्वेश्चन आता है कहिएगा गर्म करने पर पिघलता इसमें से कोई नहीं है क्योंकि सब का सब उर्ध पदार्थ है सब का सब ऐसा पदार्थ जिसे गर्म करने से ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है ये सब का सब सब्लिमेंट सबस्टांस में आता है तो अब बताइएगा यह तीनों का तीनों हमारा उर्धोपतिज पदार्थ है उर्धवापतिज पदार्थ पदार में आता है सब्लिमेंट सबस्टांस में आता है ऊर्ध्पतिज पदार्थ होता है सब का सब उर्धोपतिज पदार्थ है इंग्लिश में कहिएगा सब्लीमेंट सबस्टांस कह दीजिएगा सबलिमेट सबस्टांस कहिएगा ये ऐसा पदार्थ है जिन्हें गर्म करने से ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट कर जाते हैं अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है एन एच फोर सी एल होती है इसी को कहा जाता है नौसादर के नाम से जाना जाता है ये कपूर भी होता है जिसको इंग्लिश में कैम्फर कहा जाता है मैं इंग्लिश हिंदी टर्म में लिखते चलूंगा इंग्लिश वाले को दिक्कत नहीं देना। क्वेश्चन दूंगा मैं एकदम फिक्स है ये कपूर का सूत्र होता है C10 H16 O होता है और आयोडीन तो जानते ही हैं आप लोग आयोडीन तो जानते ही हैं तो एक बात बताइए सब का सब ऊर्धपतिज पदार्थ है कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिन्हें गर्म करने पर पिघले इसलिए आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बन गया ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा या सही बात है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूत्र कपूर का जरूर याद रखिएगा जिसको कैम्फर कहा जाता है इंग्लिश में चलिए सर मैं आपके कमेंट्स को भी जरा देख रहा हूं सर एलपी एल पी का बैच कब आएगा सर एल पी के बैच का आगाज मैं कर दिया हूं इस टेस्ट सीरीज से और तुरंत आप लोगों को बैच का अनाउंसमेंट किया जाएगा लेकिन ये टेस्ट सीरीज जन्म रहेगा तब तक रहेगा जब तक एलपी एल पी का एग्जाम सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड समाप्त नहीं हो जाए चलिए आगे आते हैं हम लोग आगे आते हैं फाउंडेशन बैच साइंस का लाया जाएगा आगे आते तो हैं हम लोग अगला सवाल देखिए सवाल दो नंबर आपके स्क्रीन पर एकदम पड़ा हुआ है और जवाब आप लोग के हाथ में होना चाहिए जल्दी जल्दी बताइए फिजिक्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री का सवाल है इसके पहले वाला भी केमिस्ट्री का ही सवाल था कह रहा है दूसरा सवाल में है कि तीस ग्राम कितना ग्राम भाई तीस ग्राम कह रहा है कि 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जब किसी भी ईंधन को हम लोग जलाते हैं हवा में तो हवा में जलाते हैं तो हवा का जितना कंपोनेंट है क्या वो दहन में भाग लेता है नहीं ऑक्सीजन उपयोग में लाया जाता है ऑक्सीजन देखिए इस तरह का सवाल रहेगा ना तो आप बताइएगा कार्बन को हवा में जलाना है कार्बन को हवा में तो कार्बन को और हवा में जलाइएगा ऑक्सीजन में तो ये क्या देता है तो कहिएगा सर जी co2 टू दे रहा है और ये बात सही है अब पहले इस तरह का सवाल रहे ना तो पहले आप इसको बैलेंस कर दीजिएगा इस तरह का सवाल रहेगा तो पहले बैलेंस कर देना है अब यहाँ पर समझिए बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर में कौ गो कार्बन परमाणु है उधर में कौ गो कार्बन परमाणु है देख लीजिए इधर में एक कार्बन है तो उधर में भी एक कार्बन है इधर में कौ गो ऑक्सीजन है दो गो तो उधर में भी कौ गो है दो गो है ये बैलेंस हो गया ये बताइएगा एटम के नंबर ऑफ एटम के आधार पर जो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हम लोगों ने बैलेंस किया इसका एक स्पेशल नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड एक वैज्ञानिक थे हीट एंड ट्रायल मेथड उन्होंने इस इस बैलेंसिंग का नाम दिया था कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड है तो ये बताइएगा कितना ग्राम है ये बारह ग्राम है और ये एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है एक ऑक्सीजन का सोलह तो दो गो का हो गया बत्तीस ग्राम हो गया ये हो गया 32 ग्राम दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपका 44 ग्राम ये बताइएगा ये द्रव्यमान संरक्षित है कि नहीं है तो किसी भी रिएक्शन में द्रव्यमान रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर होता है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम महान वैज्ञानिक फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर ने दिया था लेबोजियर साहब ने दिए थे बहुत सारे क्वेश्चन राइज होंगे उसको भी देखते चलिए तो ये फिक्स हो गया एकदम यूनिवर्सल त्रुत हो गया ये रिएक्शन अब यहीं से सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे कहेंगे कि 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन कहिएगा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन आप कहिएगा कि सर हमारे पास 12 ग्राम देखिए सर 12 ग्राम ऑक्सीजन को जलाने के लिए 32 ग्राम से बताइए 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए 32 ग्राम से कम ऑक्सीजन चाहिए क्या नहीं कम से कम 32 ग्राम चाहिए तब बताइए 12 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है तो कहिएगा 44 ग्राम तो वही सवाल तो कर रहा है कि 30 ग्राम को जलाने से कितना तो कहिएगा बारह ग्राम से कितना ग्राम तो चौवालिस ग्राम मिल रहा है तो एक ग्राम से निकालिएगा एक से चौवालिस बटा बारह ग्राम इसलिए कितना से तो कहिएगा थ्री जीरो थर्टी से पूछ रहा है चौवालिस बटा बारह गुने थ्री जीरो थर्टी हो गया तो इसको काट दीजिए आप लोग आप लोग तो बहुत तेज है मैथमेटिक्स में काट दीजिए आप लोग फटाफट देखिए तो कहिएगा सिक्स टू जा छः दूना बारह छ पचे तीस और यहाँ पर कर दीजिएगा बाईस बार में बाईस पचे एक सौ दस ग्राम आपके प्रश्न का जवाब मिल गया एक सौ दस ग्राम क्लियर हो गया ना ऐसा सवाल रहेगा तो इस तरह से आप सोचिए गा एक सौ दस ग्राम आंसर बन गया आपके प्रश्न का सर मेरा आईटीआई टी सेकेंड ईयर में है फ्रॉम चलिए सेकेंड ईयर में है तो इस बार आपको ग्रुप डी पकड़ाएगा उस समय तक क्लियर हो जाएगा ग्रुप डी उस समय तक आपका वैकेंसी जब क्लियर होगा तो उस समय ग्रुप डी आ जाएगा चलिए सब लोगों का सही आ रहा है ना सही आ रहा है चलिए अब आप लोगों प्रोपर देखिए प्रोपर स्ट्रेटजी बनाना है पहले सवाल को घबराना नहीं है सवाल बनाने वक्त घबराना नहीं है आपको मैं हूँ आपके साथ साइंस फाउंडेशन बैच लाइए लाया जाएगा लाया जाएगा चलिए इस तरह का सवाल रहेगा बना दीजिएगा बैलेंस करने की ये विधि हिट एंड ट्रायल मेथड होती है ये चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं लीजिए अगला क्वेश्चन आपके पास में आ गया जल्दी बतलाइए फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया हमारा ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया हमारे पास सर साइंस का बेस्ट टीचर है हमारे लिए ओके थैंक यू चलिए आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर एगो फोकल लंबाई है 20 सेंटीमीटर एगो 40 सेंटीमीटर और दोनों का दोनों उत्तर लेंस है उत्तर लेंस बताइएगा तो उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी कहिएगा इसकी फोकस दूरी और क्षमता इसकी फोकस दूरी एफ एंड पी एफ एंड पी बराबर कहिएगा, ये आपका पी एफ एंड पी बराबर पॉजिटिव होती है क्षमता जिसको कहते हैं बताइए संपर्क संयोजन के समतुल लेंसों की शक्ति डायोप्टर में क्या होगा देखिए सवाल पहले समझ लीजिए आप लोग देखिए एल पी के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग कोई इर्द गिर्द चीज नहीं पढ़ रहे आप लोग ए के लिए पढ़े थोड़ा लेवल को हाई रखना पड़ेगा आपको अगर आपको रणभूमि में युद्ध मैमा मैदान में अगर आपको डट कर मुकाबला करना है तो अपने लेवल को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा आपके स्तर को आपको बढ़ाना पड़ेगा और मैं आपके साथ तो हूं ना यार अरे मैं आपके साथ हूं आपके लेवल के आपके स्तर को बनाकर रखने के लिए मैं आपका साथ दे रहा हूं और मैं आपका साथ बहुत कीमती समय लेकर मैं आपका साथ दे रहा हूं इसलिए इस चीज को भुनाना है आपको और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर अब यहाँ पर समझिएगा सबसे पहले आप लोग बताइएगा लेंस की क्षमता जो होती है सबसे पहले आप लोग बताइएगा लेंस की जो ये क्षमता होती है पावर ऑफ द लेंस होती है पी जो होता है वन बटा एफ के बराबर जो फोकस दूरी का उल्टा होता है फोकस दूरी का उल्टा तो कहिएगा एफ बराबर मीटर में रहेगा एफ मीटर में रहेगा तब लेकिन अगर मानकर चला जाए अब ये भी कह सकते हैं P बराबर 100 बटा एफ कर सकते हैं अगर F बराबर रहेगा सेंटीमीटर में F बराबर सेंटीमीटर में रहेगा तब तो आपका सवाल दिया हुआ हम यहाँ पर पहले थ्योरी लिख दिए हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता है फोकस दूरी ज़्यादा तो क्षमता कम और फोकस दूरी मीटर में रहेगा तभी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है तभी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा एगो बीस सेंटीमीटर का है अब हम यहां पर आपके सवाल पर आ जाते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर आपका सवाल हो गया कि ए गो हो गया 20 सेंटीमीटर का और ए गो हो गया हमारा कितना सेंटीमीटर का तो कहिएगा ए गो हो गया 40 सेंटीमीटर का ये हो गया फोकस दूरी f1 और ये हो गया f2 टू तो दोनों को एक साथ का फोकस दूरी क्या होगा दोनों सटा कर रखा हुआ है तो 1 बाई एफ बराबर वन बटा एफ वन प्लस वन बटा एफ टू तो यहां से एफ निकालिएगा तो एफ वन इंटू एफ टू बटा प्लस कीजिए ना आप लोग कि आप बताइए दोनों फोकस दूरी दिया हुआ है तो आप लोग अब प्रश्न से आ जाइएगा अब 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 सिंपली एफ निकालिए तो दोनों को गुना कर दीजिए बीस गुने चालीस बटा साठ कर दीजिए तो ये काट दीजिएगा कितना बार में तीन बार में तो चालीस बटा तीन सेंटीमीटर हो गया और अब इसी का उल्टा कर दीजिए तो क्षमता निकल जाएगा तो हम कह देंगे पी बराबर कह दीजिएगा तो ये सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं अगर मीटर में नहीं बदलना है मीटर में अगर नहीं बदलना है आपको तो आप ये सूत्र लगा दीजिएगा तो कह दीजिएगा यहाँ पर 100 बटा 100 बटा 40 और गुने कर दीजिएगा तीन ये काट दीजिए इसको आप लोग इसको इसको काट दीजिए बीस पचे सौ और बताइएगा बीस दुना चालीस कर दीजिएगा ये पंद्रह बटा दो हो गया पंद्रह बटा दो हो गया मान कि सेवन पॉइंट फाइव डायोप्टर हो गया प्रश्न का आंसर हो गया प्रश्न का आंसर सेवन पॉइंट फाइव डायोप्टर हो गया प्लस में सेवन पॉइंट फाइव आएगा सुनिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कहा जाएगा कि दो गो लेंस है दोनों एक दूसरे से सटाक कर रखा हुआ है तो इसका संयुक्त का फोकस दूरी निकालना है तो ये सूत्र लगाना है और संयुक्त का फोकस दूरी निकल जाएगा तब उसी का उल्टा कर दीजिएगा क्षमता निकल जाएगा अगर फोकस दूरी मीटर में है तो ये सूत्र लगा देना है अगर सेंटीमीटर में है तो 100 बटा एफ लगा दीजिएगा और नहीं तो नहीं तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा आप चलिए हो गया ये बहुत अच्छा सवाल था ये बहुत ही अच्छा सवाल था ये चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं सवाल क्लियर है आपका कोई दिक्कत नहीं है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं देखिए बहुत अच्छा सवाल है फ्यूज का सवाल है ये आप बताइएगा फ्यूज तार की रेटिंग ये फ्यूज तार की रेटिंग कह रहा है तो आप बताइएगा फ्यूज की बात करते हैं और फ्यूज में हम लोग जो वायर लगाते हैं उसकी रेटिंग पूछ रहा है तो कहिएगा कि फ्यूज की क्षमता को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है फ्यूज की क्षमता को एम्पियर में व्यक्त करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज ये देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज तो कहिएगा क्षमता इसकी क्षमता को एम्पियर में व्यक्त करते हैं इसकी क्षमता को किसमें व्यक्त करेंगे एम्पियर में व्यक्त किया जाता है कहेंगे कि लाइव वायर के साथ लाइव वायर के साथ के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है कहिएगा लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्टेड ये सीरीज में कनेक्टेड होती है याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करते हैं क्षमता इसके एम्पियर में व्यक्त किया जाता है लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्टेड रख किया जाता है और जनरली जो होता है ये सीसा तथा टीन का पी बी प्लस एस एन का मिश्र धातु होता है सीसा और टीन का मिश्र धातु होती है जिसमें याद रखिएगा सीसा की मात्रा लगभग 37 परसेंट होती है और टीन की मात्रा लगभग तिरसठ परसेंट होती है टीन की मात्रा ज्यादा रखी जाती है इसलिए ज्यादा रखी जाती है कि आपका टीन का गलनांक कम होता है एसन का गलनांक जो होता है पीबी से कम होती है एस का गलनांक जितना कम होगा उतना क्वालिटी इसकी अच्छी होगी तो बताइएगा आपसे कहा जाएगा कि फ्यूज तार की रेटिंग किस में की जाती है तो एम्पियर में किया जाता है एम्पियर में ओम किसका यूनिट हो गया तो कहिएगा प्रतिरो का यूनिट हो गया रेसिस्टेंस की यूनिट हो गया ये किसका हो गया तो विद्युत शक्ति का यूनिट हो गया विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट हो गया और किलोवाट घंटा जो हो गया ऊर्जा की इकाई हो गया ऊर्जा की इकाई है हमारा ये किलोवाट घंटा होती है और एक किलोवाट घंटा बराबर होती है एक यूनिट ऊर्जा होती है एक यूनिट ऊर्जा होती है और यही होती है थ्री पॉइंट सिक्स जूल के बराबर होती है तो यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ आपके लिए चलिए यहाँ से आप लोग बढ़िया करेंगे अच्छा करेंगे हमें विश्वास है अच्छा करेंगे चार क्वेश्चन कंप्लीट आपका पांचवे क्वेश्चन पर आते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया आपका ये बायो का क्वेश्चन आपका आ गया ध्यान दीजिएगा <coughs> देखिए लिंफोसाइट्स क्या हैं व्हाट डू मीन बाय लिम्फोसाइट्स लिंफोसाइट की बात किया जा रहा है वाई एम पी एच ओ साइट्स की बात किया जा रहा है लिंफोसाइट्स क्या है तो कहिएगा लिम्फोसाइट्स जो है ना डब्ल्यू बी सी का एक टाइप है लिम्फोसाइट जो है डब्ल्यू बी सी का एक एक प्रकार है आपका लिम्फोसाइट डब्लू बी सी का प्रकार है ब्लड का एक पार्ट है हमारा जैसे ब्लड को हम लोग बांटते हैं ना तो ब्लड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं एक होता है ब्लड प्लाज्मा होती है और एक होता है आपका ब्लड सेल्स होता है जिसको हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं और यहाँ पर जब हम लोग ब्लड सेल्स को बांटते हैं तो ये तीन प्रकार की होती है एक होता है हमारा देखिए आर का मतलब होता है आरबीसी देखिए आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं याद रखिएगा इसको कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है और डब्ल्यू में डब्ल्यू को कहा जाता है ल्यूकोसाइट इट्स कहा जाता है और लिवकोसाइट्स जो होता है पांच प्रकार का होता है एक होता है मोनोसाइट्स होता है एक होता है लिंफोसाइट्स होती है लिंफोसाइट होती है एक होता है बेसोफील होती है <स्थियों> बेसोफिल्स होती है एक होता है न्यूट्रोफिल्स होती है न्यूट्रोफिल्स होती है और एक होता है इोसिनोफिलोसिनोफिल्स होती है ये ये होता है सबसे बड़ा होता है पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन होता है तो मोनोसाइट होती है ये कह दीजिएगा सबसे छोटा होता है ये सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट होती है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है एंटीबॉडी एंटीबॉडी का निर्माण करता है ये लिम्फोसाइट में भी दो तरह का लिम्फोसाइट होता है एगो बी लिम्फोसाइट और एगो टी लिम्फोसाइट होती है आप लोग नाम सुने होंगे एड्स पेशेंट का नाम सुने होंगे एड्स पेशेंट में वही ना टी लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है एचआईवी वायरस द्वारा क्योंकि और तब जब एचआईवी वायरस द्वारा लिंफोसाइट टी को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है तब रोग शरीर जो होता है अनेक रोगों का शिकार हो जाता है क्योंकि वो एंटीबॉडी नहीं बना पाता है तो अब बताइएगा लिम्फोसाइट क्या है आरबीसी है थ्रोम्बोसाइट्स है डब्ल्यूबीसी है यस डब्ल्यूबीसी है डब्ल्यूबीसी का ही नाम है ल्यूकोसाइट्स इसी को कहते हैं लिवकोसाइट कहा जाता है बताइएगा मोनोसाइट हो गया लिम्फोसाइट हो गया बेसोफिल्स हो गया न्यूट्रोफिल्स हो गया योसिनोफिल्स हो गया ये सब का सब किसका टाइप से है डब्ल्यू का प्रकार है इसलिए प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यस यस आई एम सेटिस्फाइड चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं देखिए शानदार क्वेश्चनों में एक ये भी है हमारा बताइए एंगस्ट्रॉम नाम सुने होंगे आप लोग एंगस्ट्रॉम क्या है तो एंगस्ट्रॉम कहने का मतलब है कि एंगस्ट्रॉम डैश की इकाई है लंबाई की इकाई है बाबा एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है देखिएगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है यहां पर ये कह दीजिएगा <coughs> दस का पावर माइनस दस मीटर या दस का पावर माइनस आठ सेंटीमीटर और नहीं तो दस का पावर माइनस सेवन मिलीमीटर कर दीजिएगा तो एंगस्टॉम क्या मापने की इकाई है कहिएगा लंबाई की इकाई है एंगेस्टॉम एक एंगेस्टॉम तो कहिएगा दस का पावर माइनस दस मीटर के बराबर होती है बताइए सेंटीमीटर में कितना दस का पावर माइनस आठ सेंटीमीटर के बराबर मिलीमीटर में दस का पावर माइनस सेवन मिलीमीटर में तो बताइएगा एंगेस्टॉम किसकी इकाई है लंबाई की इकाई है बल की इकाई क्या होता है तो कहिएगा न्यूटन होती है न्यूटन नहीं रहेगा तो कहिएगा के जी मीटर सेकेंड माइनस दो होती है समय की इकाई क्या है सेकेंड है भार भी क्या है भार की भी इकाई होती है न्यूटन ही होती है लेकिन द्रव्यमान की इकाई के जी होती है चलिए ठीक है ये आ गया यहाँ पर एक एंगेस्टोम अरे अरे बाबा गज बेहाल है आप लोग का एक एंगेस्टोम बराबर एक बटा दस नैनोमीटर एक बटा दस नैनोमीटर होती है एनएम का मतलब नैनोमीटर एनएम माने नैनोमीटर होती है अरे यार एक कह रहा है कि ड्राइंग का क्लास कराइएगा सर ड्राइंग अभी नहीं पढ़ो यार अभी सीबीटी फर्स्ट निकालना है आपको सीबीटी फर्स्ट निकालिएगा पर्याप्त समय मिलेगा सीबीटी सेकंड के लिए उसी समय मैं आपको सीबीटी सेकंड के पार्ट्स को पढ़ाऊंगा जो आपका ट्रेडिशनल पार्ट्स है वो ये तो आपका सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों के लिए ढकेच रहे हैं हम आपको दोनों के लिए पढ़ा रहे एकदम खुल्लेआम चैलेंज है आप लोगों के साथ कि एकदम पढ़िए दोनों निकलेगा साइंस सीबीटी फर्स्ट में जो 20 क्वेश्चन है साइंस का कबार दीजिएगा और सीबीटी सेकंड में जो 40 क्वेश्चन है जिसमें से 35 क्वेश्चन साइंस का है और तीन से चार क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का रहेगा तो 35 क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ा रहा हूं और सीबीटी फर्स्ट में 20 क्वेश्चन के लिए पढ़ा रहा हूं <coughs> साइको अभी कहां से अरे भाई गजबे हाल है चलिए देखिए हो गया आंसर आपका अगला सवाल है किसी वाहन का गति मापक यंत्र बताता है उसकी कौन गति एक बात बताइएगा किसी वाहन का गति मापक यंत्र जो होता है उसका नाम है स्पीडोमीटर क्या नाम है उसका स्पीडोमीटर उसका नाम है वो वाहन की किस गति को बतलाता है वाहन के किस चाल को बतलाता है तो कहिएगा? आप गाड़ी चलाते हैं ना तो गाड़ी चलाते हैं तो अभी पीछे वाला बैठा है ना वो कहता है कि देखो तेरे तो कितना स्पीड गड़िया चला रहा है तो आगे में वो ना लगा रहता है मीटर तो उस वक्त की चाल को वो बतलाता है उसका नाम है स्पीडोमीटर उस चाल को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है ताक्षणिक चाल कहा जाता है तो बताइएगा वाहन की गति मापक यंत्र का नाम है वाहन की गति मापक यंत्र को कहा जाता है स्पीडोमीटर कहते हैं स्पीडोमीटर कहा जाता है जिसको हिंदी में चाल मापी कहते हैं चाल मापी कहते हैं और ये बतलाता है ताक्षणिक चाल को बतलाता है ताक्षणिक चाल को इंग्लिश में कहते हैं इंस स्पीड कहा जाता है इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं ये ताक्षणिक चाल को बतलाता है उस वक्त की चाल को बतलाएगा जिस वक्त गाड़ी चल रही है लेकिन एक होता है ओडोमीटर होती है ओडो मीटर होती है हिंदी में कहते हैं पथ मापी कहते हैं तो कहिएगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बतलाता है ये कहिएगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बतलाता है तय की गई दूरी को ये बतलाता है उसका नाम है हमारा ओडोमीटर उसका नाम है ओडोमीटर कहा जाता है तो दोनों बात आपका क्लियर मैंने कर दिया यहाँ से भूलिएगा मत बताइएगा वाहन का गति मापक यंत्र किस गति को बतलाता है ताक्षणिक चाल को बतलाता है और उस यंत्र का नाम है स्पीडोमीटर क्या नाम है स्पीडोमीटर चलिए बताइएगा ताक्षणिक चाल हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा ये चलिए क्लियर हो गया आपके प्रश्न का जवाब यहां पर आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों में प्रोटोनों और न्यूट्रोनों का योग क्या होगा यहां योग लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के कुल देखिए हाइड्रोजन के कुल तीन गो आइसोट होते हैं तीन गो समस्थानिक होते हैं तो कौन कौन समस्थानिक हो गया तो कहिएगा H11 को कहते हैं प्रोटियम कहते हैं इसका नाम है प्रोटियम ये बताइएगा इसमें प्रोटोन को गो हो गया तो कही पी बराबर जेड बराबर ई e हो गया एगो e हो गया इसमें प्रोटोन भी एको है इसका परमाणु संख्या भी एक है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक है और इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा तो ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देते हैं द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो निकल जाता है न्यूट्रॉन की संख्या अरे बाबा इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है यहां से भी क्वेश्चन आता है कि हाइड किसके नाभिक में न्यूट न्यूट्रॉन नहीं है किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है तो कहिएगा कि किसके नाभिक में नहीं है तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होती है ये प्रोटियम हो गया ए एच वन टू को कहते हैं डी कहा जाता है इसी को कहते हैं ड्यूटेरियम कहा जाता है ड यू टेरियम कहा जाता है ड्यूटेरियम कहते हैं और यही बेचारा होता है भारी हाइड्रोजन होता है इसी को कहते हैं भारी हाइड्रोजन और यही हमारा भारी जल का निर्माण करता है जिसका सूत्र होता है डी टू ओ तो वो डी टू होता है भारी जल का और इसमें भी बताइए आप लोग इसमें भी बताइए P बराबर Z बराबर E हो गया कोगो ए गो हो गया और इसमें भी न्यूट्रॉन हो गया ए गो दो में से एक जाएगा एक और ये होता है एच वन थ्री इसका नाम है ट्राइटियम इसको कहते हैं ट्राई कहा जाता है और ट्राइटियम की बात करते हैं तो ये रेडियो एक्टिव होता, ये ये होता है ये और वो कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव होती है तो कहिएगा ट्राइटियम होती है और इसमें पी बराबर जेड बराबर ई हो गया एक गो हुआ और इसमें न्यूट्रॉन कौ गो हो गया तो दो गो हो गया तो सब में जोड़ दीजिए टोटल प्रोटोन प्रोटोन इसमें ए गो इसमें भी ए गो इसमें भी एक तीन गो हो गया इसमें न्यूट्रॉन जीरो हो गया एक हो गया दो हो गया तीन हो गया तीन गो प्रोटोन है और तीन गो न्यूट्रॉन है कुल मिलाकर कौ गो हो गया तो कहिएगा सर जी छो हो गया योग पूछ रहा है दोनों का तो छो हो गया छ गो हो गया सिक्स हो गया सिक्स हो गया सिक्स एकदम नंबर हो गया। चलिए आगे आते हैं हम लोग आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं एक जूल में कितने कैलोरी तो सबसे पहले बताइएगा एक कैलोरी में 4.186 जूल होती है और इसी को लिख देते हैं लगभग में इसी को लगभग में कह दीजिएगा फोर पॉइंट टू जूल होती है तो कह रहा है कि एक जूल में तो कहिएगा इतना जूल में इतना कैलोरी तो एक में निकालिएगा तो एक बटा फोर पॉइंट टू कर दीजिएगा एक बटा फोर पॉइंट टू कर दीजिएगा तो एक जूल बराबर जीरो पॉइंट टू फोर कैलोरी हो गया यहाँ पर हमारा तो एक जूल में कितना कैलोरी तो कहिएगा जीरो पॉइंट टू फोर कैलोरी हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा एक बार देखिए बढ़िया से आप लोग नियरेस्ट वेलू दिया हुआ है तो कोई बात नहीं डी नंबर हो जाएगा आपका चलिए बहुत लोगों का आ रहा है डी नंबर ठीक है बहुत अच्छा है सब लोग आ जाएंगे सब लोग आ जाएंगे रिदम में सब लोग आ जाएंगे अपने लय में मैं तो लय में लाना ही समय लगेगा थोड़ा लय में आने के लिए आपको सिर्फ कदम में कदम में लाकर मेरे सांस चलिए सफलता को मैं आपके कदमों के सामने ला कर खड़ा कर दूंगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग घड़ी के मिनट वाली सुई के नोकी की गति पर विचार करें मिनट वाली सुई पर विचार करना है देखिए घड़ी का ये घड़ी का डायल हो गया घड़ी का ये डायल हो गया थोड़ा गोल बनाइए ना भैया थोड़ा गोल बना, बना दीजिए घड़ी का डायल हो गया और ये बताइएगा यहाँ पर केंद्र बिंदु हो गया यहीं से तीनों सुइया होता है ये हो गया आपका मिनट की सुई एगो हो गया सेकंड की सुई एगो घंटे की सुई हम मिनट की सुई पर विचार करते हैं तो बताइएगा घड़ी के मिनट वाली सुई की नोक की गति पर विचार करें पॉइंट वाला पर विचार करना है एक घंटा में अब बताइएगा जब एक घंटा में जब यहां से जब ये चलना शुरू करेगा तब तो पूरा एक चक्कर लगाएगा तब ना एक घंटा होगा यस पूरा एक चक्कर लगाएगा तब ये एक घंटा होगा तब बताइएगा पूरा एक चक्कर लगाया था जहां से चला था वहीं पहुंच गया तो विस्थापन जीरो हो गया विस्थापन क्या हो गया जीरो हो गया लेकिन दूरी जीरो होगा नहीं पूरा एक चक्कर लगाया तो दूरी जो होगा ना परिधि के बराबर होगा टू पाई आर के बराबर होगा सरकम के बराबर होगा तब बताइए विस्थापन शून्य होगा सही बात है तय की गई दूरी शून्य होगा गलत होगा तय की गई दूरी कितना के बराबर टू पाई आर के बराबर होगा नहीं तो पाई डी के बराबर होगा एक चक्कर के लिए तय की गई दूरी परिधि का आधा है गलत है परिधि के बराबर है इनमें से कोई नहीं कहिएगा राइट ऑप्शन एक नंबर हो जाएगा विस्थापन सुन होगा क्योंकि जहां से चला था वस्तु तो वहीं पहुंच गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठ और सात है जरूर हमारा ये क्लोरीन का दिया हुआ है किसका दिया है क्लोरीन का दिया हुआ है अगर देखा जाए तो ये क्लोरीन का है ये बताइएगा क्लोरीन की बात करते हैं सी की बात किया जाए क्लोरीन देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं सत्रह होता है तो इसको लिख देते हैं दो आठ और सात कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कहिएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन सात हो गया तो आपसे इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है ये पूछ रहा है वैलेंसी पूछा जा रहा है वैलेंसी का मतलब संयोजकता पूछा जा रहा है तो इसकी संयोजकता कितना होगा एक हो जाएगा मैंने कितना इसको चाहिए ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए एक चाहिए तो याद रखिएगा अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार रहेगा तो वही उसका संयोजकता होता है लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन पाँच छ सात आठ रहेगा तो आठ में से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा दीजिएगा तो संयोजकता निकल जाएगा तो अब बताइएगा यहां पर आपसे हम पूछेंगे कि इसका बताइएगा संयोजकता कितना हो गया संयोजकता जो हो गया आठ माइनस सात बराबर एक हो जाएगा क्योंकि वो चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन जिससे वो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा तो इसकी संयोजकता एक हो जाएगा लेकिन जिसके बाहतम कक्षा में जितना भी इनोट गैस है इनोट गैस के लिए पूछा जाएगा इनोट गैस का वैलेंसी Balancy, बराबर जीरो होगा क्योंकि इनॉट गैस जो होता है ना किसी से क्रिया करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबिलिटी गेन कर लिया है अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया है वो चलिए एक भी नंबर ऑप्शन सही हो गया आपका अगला क्वेश्चन पर आते हैं न्यूट्रॉन एक मौलिक कण है जिसमें आप बताइएगा न्यूट्रॉन की बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन की बात करते हैं न्यूट्रॉन का खोज करता जेम्स चैडविक साहब हैं जेम्स चैडविक हैं इसका संकेत अगर देखिएगा सिंबल देखिएगा तो एन जीरो वन होती है। कहिएगा नीचे वाला चार्ज को बतलाता है और ऊपर वाला द्रव्यमान को बतलाता है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कहिएगा इस पर चार्ज की बात करते हैं तो ये कहिएगा चार्जलेस होता है ये चार्जलेस होती है लेकिन अगर कह दिया जाए कि निरपेक्ष द्रव्यमान इसका एक्चुअल में द्रव्यमान क्या होती है तो कहिएगा निरपेक्ष द्रव्यमान बराबर होता है 1.67 पॉइंट गुने दस का पावर माइनस सत्ताईस के होती है इतना के अगर सापेक्ष द्रव्यमान पूछ दिया जाए कि सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है तो कहिएगा बराबर हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर किसका द्रव्यमान हाइड्रोजन का द्रव्यमान होती है हाइड्रोजन का द्रव्यमान होती है इसका सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है एक वन पॉइंट समथिंग होती है वन पॉइंट समथिंग लगभग एक मानते हैं हम लोग तो बताइएगा न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश इकाई द्रव्यमान होता है प्लस आवेश नहीं गलत जीरो आवेश होता है मान जीरो दे दिया है माइनस राइट ऑप्शन इज़ नंबर ऑप्शन सही है आपका एक नंबर ऑप्शन सही है न्यूट्रीनो नहीं है न्यूट्रीनो रहेगा अगर यही रहेगा न्यूट्रीनो रहेगा न्यूट्रीनो तो न्यूट्रीनो का संकेत होता है एन जीरो जीरो कही चार्जलेस एज वेल एज मासलेस होती है चार्जलेस एंड मासलेस होती है मासलेस ये चार्जलेस और मासलेस है न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो पूछेगा तो चार्जलेस और मासलेस कहिएगा ठीक है हम इंग्लिश में भी लिख रहे हैं इंग्लिश वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें इस इंग्लिश वाले को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्या दिक्कत है इंग्लिश वाले को नहीं थोड़ा आप लोगों के पास से से तो एक बार लाइक कर दीजिएगा बढ़िया रहेगा और जरूरत पड़े तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और अच्छा रहेगा हौसला बढ़ाए ना है आपको मैं आपके आपको लक्ष्य तक सबको फायदा दे दीजिए इससे सबको इससे बेनिफिट होनी चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग दिए गए ताप पर माने कि निश्चित टेम्परेचर दिया गया है दिए गए ताप पर कौन सी गैस का वर्ग माध्यमूल वेग वर्ग माध्यमूल वेग का मतलब होता है भी आर एम एस अधिकतम होगा टेम्परेचर फिक्स है सबके लिए सबके लिए टेम्परेचर फिक्स है हाइड्रोजन गैस का सूत्र हो गया एच टू ऑक्सीजन का हो गया ओ टू नाइट्रोजन का हो गया एन टू और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया सी ओ टू बताइए इसका द्रव्यमान पूछेंगे तो कहिएगा दो होता है इसका द्रव्यमान पूछेंगे तो बत्तीस कहिएगा इसका द्रव्यमान पूछेंगे तो अट्ठाइस कह दीजिएगा और इसका द्रव्यमान पूछेंगे तो कहिएगा चौवालिस अब ध्यान दीजिएगा आणविक सूत्र द्रव्यमान है सबका ये हम जो बगल में लिखे हैं ना आणविक सूत्र द्रव्यमान होती है सुनिए गैस के अणुओं का हम लोग गैस को पात्र में कलेक्ट कर, कर रखते हैं आप कहिएगा कि सर क्यों रखते हैं कलेक्ट कर, कर पात्र में इसलिए रखते हैं कि गैस के एक अणु दूसरे अणु से झगड़ा कर रहता है माने कि गैस का एक अणु दूसरे अणु को बांध कर नहीं रखता है मतलब कि इसके अणुओं के बीच लगने वाला मोलिकुलर अट्रैक्ट माने कि मोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स जो होती है आणविक आकर्षण बल जो होती है नगण्य होती है नगण्य होती है और अब यहां पर समझ लीजिए आप लोग समझ लेना है कहा जाए कि भी आर एम एस बराबर होता है रूट अंडर थ्री आर टी और बटा होता है एम होती है और बताइएगा दिए गए ताप पर सबके लिए टेम्परेचर सेम है सबके लिए टेम्परेचर सेम है थ्री भी कांस्टेंट हो गया आर भी कांस्टेंट हो गया आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है <coughs> तो अब बताइएगा ये भी जो होता है किस पर निर्भर किया द्रव्यमान पर निर्भर किया है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका यह बेग कम होगा अगर जिसका कम होगा उसका ज्यादा होगा तो बताइएगा सबसे ज्यादा गैस के अणुओं का आर एम एस बेग होगा हाइड्रोजन का तो कह देंगे कि भी एच टू ग्रेटर देन किससे कहिएगा भी एन टू ग्रेटर देन किस से तो कहिएगा भी ओ टू ग्रेटर देन किस से तो कहिएगा भी सी ओ टू होती है तो यही तो है हमारा सबसे ज़्यादा किसका होगा आर एम एस बेग गैस हाइड्रोजन गैस का क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है और ये हल्का गैस है जो हल्का गैस होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा सिंपल सी बात है भाई जो हल्का आदमी होगा तेजी से दौड़ेगा और जो मोटा आदमी होगा ना वो धीरे धीरे दौड़ेगा ठीक है हो गया ना ये चलिए बहुत अच्छा है चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं आपके प्रश्न का सही जवाब हाइड्रोजन हो गया चलिए चौदह नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग भी देखिए कार द्वारा टी समय में तय की गई दूरी एस बराबर भेटी है एस बराबर भेटी है तो कार में सुनिए अगर हम कह दें आपसे कि हम एक सरल रेखा पर चल रहे हैं और हम हम आपका एक सेकेंड में इतना दूरी तय किए एक सेकेंड में इतना दूरी एक सेकेंड में इतना दूरी अगला एक सेकेंड में भी इतना ही दूरी तय करते हैं अगला एक सेकेंड में भी उतना ही दूरी तय करते हैं मतलब कि हम एक समान चाल से चल रहे हैं हम नियत चाल से चल रहे हैं हम कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो यही तो बात है भी चार से रेखीय गति में चल रही कार द्वारा टी समय में तय की गई एस बराबर भी है तो कार में एक समान त्वरण है नहीं एक समान त्वरण के लिए कहिएगा एस एस बराबर होता है एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है ये हो जाएगा ये हो जाएगा असमान त्वरण के लिए गलत आपका एक समान बेग के लिए जब कोई वस्तु एक समान बेग से चलती है जब कोई वस्तु एक समान बेग से चलती है तो इसके लिए दूरी कहिएगा एस बराबर कहिएगा भी होती है तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का होता है कभी कभी ये भी पूछता है और यहाँ पर अगर यू का मान जीरो ले लेंगे यू बराबर जीरो हो तो यहाँ से बता दीजिए आप लोग यहाँ से अगर कह दिया जाए यू बराबर जीरो हो तो अगर विराम से वस्तु चलना शुरू करता है तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिएगा टी स्क्वायर के और कहिएगा नियत त्वरण के लिए कांस्टेंट एक्सिलेशन के लिए होती है ये कह दीजिएगा नियत त्वरण के लिए नियत त्वरण के लिए होती है त्वरण के लिए होती है ये चलिए बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा आप लोग थोड़ा थोड़ा समय देते रहिए वो अलग हो गया यार भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस जो है ना ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना ये आपका, ये आपका आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो बेग और स्थिति के बीच के संबंध को बतलाता है इक्वेशन ऑफ मोशन गैलीलियो गैलीली ने दिया था तीन गो इक्वेशन आपका भी बराबर यू प्लस होता है एक होता है दूसरा नंबर हाँ होता है और तीसरा हो गया आपका भी यू प्लस होती है चलिए हो गया आपके प्रश्न का जवाब आपका सही क्लियर अगला है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तो आकर्षण बल जो होता है ना सबसे ज्यादा ठोस के अणुओं के बीच में होती है उससे कम आपका द्रव के अणुओं के बीच में होती है और सबसे कम नगण्य होती है गैस के अणुओं के बीच में होती है तब ना हम लोग कहते हैं कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है लेकिन गैस के अणुओं के बीच में आणविक आकर्षण बल इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स गण्य होती है जिसके कारण आपका गैस को किसी पात्र में कलेक्ट कर, कर रखना पड़ता है चलिए हो गया आपके प्रश्न का सही जवाब हवा गैस हो गया जल द्रव हो गया अल्कोहल द्रव हो गया तांबे की छड़ जो हो गया ठोस पदार्थ हो गया यह सबसे ज्यादा पूछ रहा है आपसे चलिए हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कौन से प्रकार के अस्थाई उत्तक जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करता है सुनिए अगर हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करते हैं प्लांट टिश्यू ध्यान दीजिएगा आप लोग प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू में दो तरह का होता है एक होता है मेरिसमेस्टिक टिश्यू होती है ये विभाज्योतक होती है विभाजन करने की क्षमता होती है और एक होता है हमारा परमानेंट परमानेंट टिश्यू होती है ये ये परमानेंट टिश्यू भी दो तरह का होता है एक होता है हमारा सिंपल होती है एक होता है सिंपल परमानेंट होता है और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स होती है एक होता है कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स में भी दो गो होता है एक का नाम आप लोग सुने होंगे जाइलम होता है और एक का नाम आप लोग सुने होंगे फ्लोएम होता है एक का नाम जाइलम है एक का नाम फ्लोएम है दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स में आता है और यहाँ पर मेरिस्मेस्टिक टिश्यू में भी देखिएगा एक होता है एपिकल होता है जो शीर्ष में वृद्धि कराता है एक होता है हमारा आपका ये जो गोलाई में वृद्धि कराता है पेड़ पौधे की मोटाई को बढ़ाता है लोग नहीं कहते कि मोटा है बहुत पौधा मोटा है माना कि सिल्ली मोटा आएगा ठीक है ये होगा <सथिण> और सिंपल में भी देखिएगा तो सिंपल में आपको मिलेगा पैरेन काइमा एक मिलेगा पैरेन काइमा मिलेगा पैरेन काइमा मिलेगा इसी का एक दूसरा रूप होता है जलीय पौधों में कहिएगा प्लांट्स आपका एक्वेटिक प्लांट्स में एक्वेटिक्स प्लांट्स में अगर कह दिया जाएगा एक्वेटिक प्लांट्स में ये कह दीजिएगा ये बन जाता है एरेन का एरेन, एरेन काइमा में कन्वर्ट कर जाती है जिसे एक्वेटिक प्लांट्स जो होता है पानी पर तैरते रहता है ये प्रदान करती है एक होता है हमारा इसी में मिलेगा एगो मिलेगा कोलेन काइमा एगो मिलेगा कोलेन काइमा मिलेगा और एक मिलता है यही ना हमारा लचीलापन प्रदान करता है पौधों में लचीलापन प्रदान करता है और एक वो मिलता है एस्केलेन काइमा मिलती मिलती है, मिलती है और ये रेसा का निर्माण करता है इसमें लिग्निन का जमाव होता है किसका जमाव लिग्निन का जमाव होता है तो ये बहुत है प्लांट टिश्यू बहुत है लेकिन बताइएगा पेरेन काइमा होता है कोलेन काइमा, ये जो होती है लचीलापन के लिए जिम्मेवार है कहिएगा लची लापन लची लापन के लिए जिम्मेवार होती है लेकिन ये स्कलन कायमा जो होता है इस पर लिगनिन का जमाव होती है लिगनिन का जमाव होती है और बताइएगा पेरेन कायमा में पेरेन कायमा में एक्वेटिक प्लांट्स में ये एरन कायमा में एरन कायमा एरन कायमा में कन्वर्ट कर जाता है और जलीय पौधों में यह बायोसी प्रदान करती है उसको तैरने में मदद करती है तो वही बात लिखा हुआ है कौन से प्रकार के अस्थाई उतक अस्थाई उतक जलीय पौधों को तैरने में सहायता करता है एरेन कायमा करता है कौन कायमा करता है एरेन कायमा करता है कोलेन कायमा कोलेन कायमा लचीलापन के लिए होता है लिग्निन का जमा होता है लिग नीन का जमाव लेकिन का जमाव होता है रेसा का निर्माण करता है फाइबर का निर्माण करता है रेशा का निर्माण कहिएगा रेसा का भी ये निर्माण करता है जैसे कि नारियल में रेशा होता है ना पटसन में रेशा होता है ना इस सब का निर्माण करता है चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगला आते हैं सत्रह नंबर क्वेश्चन पर आते हैं मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया आप बताइए हम लोग भोजन करते हैं ना हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग भोजन करते हैं तो बताइएगा पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है हाथ से हाथ से उठाते हैं तो शुरू हो जाता है पचना नहीं पाचन की क्रिया हमारे मुख्य गुहा से होती है आ करते हैं ना तो मुख्य गुहा माउथ कैविटी से शुरू होती है और माउथ कैविटी में भी टाइलिन इंजाइम शुरू करता है कौन एंजाइम तो कहिएगा मुंह से शुरू होता है और अंत में पाचन की फाइनल क्रिया संपन्न होती है छोटी आंत में होती है छोटी आंत में होती है और बताइएगा मुंह में हमारा कौन एंजाइम करता है टाइलिन टाइलिन इंजाइम करता है टाइलिन इंजाइम ये करता है और तब छोटी आंत में भी इंजाइम होता है अंतिम रूप से पाचन की क्रिया यही करती है और टाइलिन एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट तब तो बताइए पाचन की सबसे पहले क्रिया में भाग लेता है प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट की फैट तो कहना है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है ये बताइएगा छोटी आंत आहार नली नहीं आमाशय माने पेस्ट स्टोमक से बड़ी आंत गह गलत आहार नली बड़ी आँत गलत तब पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख से शुरू होती है और अंत होती है छोटी आंत से होती है चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा बाहतम सेल है आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला सेल पूछा जा रहा है तो देखिएगा फर्स्ट आवर्त की बात करते हैं तो कहा जाएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस हो गया इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया समझना है पहला घर हो गया ये दूसरा घर हो गया ये हो गया तीसरा घर हो गया हमारा ये हो गया हमारा चौथा घर हो गया ये चौथा घर हो गया इस तरह से आप घर को बढ़ा सकते हैं ये होता है हमारा नाभिक ये हो गया नाभिक हो गया जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं इसमें बेचारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है पहला घर का नाम है के दूसरा का नाम है एल तीसरा का नाम है एम चौथा का नाम है एन पांचवा का इस तरह से बढ़ते चले जाइएगा जब एन का मान वन देंगे एन का मान दो देंगे एन का मान तीन देंगे एन का मान चार देंगे तो एन बराबर वन है तो के हो गया और वही सवाल आपसे पूछा भी जा रहा है कि दूसरे आवर्त में माने दूसरा घर में बताइए दूसरा घर का मतलब कि पहला घर के है तब दूसरा घर आया एल तो कह रहा है कि दूसरे आवर्त के आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाहरी सेल है तो कहिएगा के सेल और तीसरा में कहता अगर सॉरी एल सेल तीसरा में कहता तो एम कहते चौथा कहता तो एन कह देते अगर पहला कहता तो के कह देते के, के बाद एल एल के बाद एम तो बताइएगा कौन हो जाएगा एल सेल हो जाएगा एल सेल हो जाएगा राइट ऑप्शन एल सेल हो जाएगा चलिए अगला सवाल है ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है आपको एक अवतल दर्पण दिया जाता है एक अवतल लेंस दिया जाता है तो अवतल दर्पण जो है ना बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है छोटा भी बनाता है और वस्तु के आकार से के बराबर भी बनाता है ये हमेशा छोटा बनाता है उत्तल दर्पण भी हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है लेकिन उत्तल लेंस जो होता है ना उत्तल लेंस जो होता है ये हमारा वस्तु के आकार के बराबर वस्तु के आकार से बड़ा और वस्तु के आकार से छोटा तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है तो किसी बिंब का बिंब माने वस्तु का विवर्धित विवर्धित माने माने बड़ा प्रतिबिंब विवर्धित का मतलब क्या होता है बड़ा बड़ा विवर्धित माने मैग्नीफाइड प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं तो कहिएगा कि लेंस में अवतल लेंस गलत हो गया ये यहां पर यह गलत हो गया ये बनाएगा बड़ा अवतल दर्पण बनाएगा लेकिन उत्तल दर्पण नहीं बनाएगा ये बताइए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का दोनों बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और यहां बताइए अवतल दर्पण कह रहा है अवतल दर्पण करा दोनों अथवा अवतल नहीं दोनों अवतल दर्पण में हो गया ये तो होगा नहीं एक ही गो राइट ऑप्शन इज सी नंबर ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी बड़ा प्रतिबिंब कर रहा है बनाने के लिए बड़ा प्रतिबिंब या तो दर्पण में अवतल बना सकता है नहीं तो लेंस में उत्तल बना सकता है उत्तल लेंस चलिए आज का अंतिम कला अंतिम है ये क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर एक गतिमान पिंड समय के एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरिया तय करती है मतलब कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के हम अभी भी बताए हैं कि अगर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर का है तो कहिएगा नियत त्वरण है कहिएगा नियत त्वरण है या कहिएगा अचर त्वरण है अचर त्वरण है या इसी को कह दीजिएगा आपका वेग में परिवर्तन की दर नियत है वही त्वरण नियत है तो कहिएगा कि वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है गलत है घट रहा है गलत है शून्य है गलत है नियत है नियत है राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन होगा आपका यस का रहा है कि नियत त्वरण है देखिए ना एस बराबर हो गया यू टी प्लस से अगर देखिएगा तो कहिएगा u बराबर जीरो, और अब बताइएगा अगर इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं ये हमारा कांस्टेंट है ये हमारा कांस्टेंट हो गया हमारा ये कांस्टेंट हो गया तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिएगा टी स्क्वायर के s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर के होती है तो किसके लिए नियत त्वरण के लिए कांस्टेंट एक्सलरेशन के लिए ओके बाय हो गया ख़त्म आपका आप लोगों में से बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है यही लेवल मेंटेन करके पढ़ना है इस लेवल को हम हाई भी कर सकते हैं थोड़ा सा लेकिन लेवल आपका यही रहेगा और इसी लेवल को मेंटेन करना है अगर सफलता आपको लेनी है तब क्योंकि हमारी आदत है कि मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बरगला नहीं सकता हूँ विचलित नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सफलता लेना है आपको और सफलता लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने आप को आपको झोंक देना पड़ेगा एकदम कामयाबी की ओर आपको अग्रसर बढ़ना पड़ेगा इसी तरह से पढ़ाई करते रहना है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप लोग थोड़ा संख्या को बढ़ाइए इसमें अधिक से अधिक संख्या को इसमें मिलाइए आप लोग ये वीडियो को दूसरों के पास भेजने की कोशिश कीजिए ताकि उससे उसको बेनिफिट मिले फायदा मिले गांव में शिफ्ट कीजिए इस सारे वीडियो को और गांव में बच्चों को बोलिए कि अच्छा पढ़ाई मिले वहीं पर पढ़ना चाहिए आदमी को जहाँ से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्राप्त हो सके आपको ओके okay, बाय बेस्ट ऑफ लक थैंक यू फिर मिलते हैं आपको मैं सोमवार को मिलूंगा आप लोग एक बात और समझ लीजिए ये बैच मेरा चलेगा सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा सैटरडे संडे को नहीं लूंगा धीरे धीरे आप लोगों को बुस्टअप करूंगा धीरे धीरे डोज दूंगा और तब बीच बीच में टॉनिक डालते रहेंगे जो उत्प्रेरक का, का, का काम करेगा कैटलिस्ट का काम करेगा विटामिन का भी डालते रहेंगे इस विटाम तो ऊर्जा देगा नहीं आपको लेकिन हाँ वो कैटलिस्ट का एक तरह का काम कर सकता है आपके लिए ओके बाय फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड हम लोग अगले सोमवार को पुनः मिलूंगा आपसे इसी जोश और जुनून के साथ ओके बाय बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू थैंक यू